नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि मैं पाखंडी और ढोंगियों के सख्त खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, क्योंकि ये पाखंडी लोगों के विचारों को कंट्रोल करके ना केवल उन्हें सिर्फ भ्रमित करते हैं बल्कि उनके सोचने समझने और तर्क करने की जो चेष्टा होती है उसे दीमक की तरह चाट कर नष्ट कर देते हैं। दोस्तों हाथरस में सत्संग के वक्त जो घटनाएं घटी हैं जिसमें 122 लोगों की लगभग मौत हो गई है, यह घटनाएं बेहद ही दुखद है। दोस्तों मैं बाबा पर भी आऊंगा कि बाबा किस प्रकार का ढोंगी है, किस प्रकार का अपराधी है, उसके ऊपर कितने FIR दर्ज हैं और किस प्रकार से वो लोगों को मूर्ख बना रहा है, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि हाथरस में जो घटनाएं घटी है उसका जिम्मेदार ना तो बाबा है और ना ही आयोजक है। इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन है और सत्ता में बैठे लोग हैं। क्या प्रशासन के लोग वहां पे रोज रैकिंग करने नहीं जा रहे थे जहां पे सत्संग हो रहा था? क्या उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे कितने भीड़ हो रही है और भीड़ के हिसाब से किस प्रकार की सुरक्षाएं देनी चाहिए? अगर इन्हें ऐसा मालूम नहीं था तो वहां के SDM को उस पद पे रहने का हक नहीं है। अभी अभी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर खुद प्रशासन को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग 122 लोगों की निर्मम हत्या किए हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो सत्ता में बैठे लोगों के घमंड में है और वो इसी तरह से लापरवाही कर रहा है, ना केवल हाथरस में बल्कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में। इन्हें लोगों के, इन्हें आम जनता के जान की कोई कीमत ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मर्जी की कर रहे हैं। इन्हें सुरक्षा देनी है या नहीं देनी है इन सब का कोई गम नहीं है। इन्हें लोगों के टैक्स से पैसे मिल रहे हैं, ये लोग ST में बैठकर जाकर मुजरा कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, इन्हें कोई गम नहीं है। अब मैं आता हूं इस पाखंडी बाबा पर जिसका नाम है नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा। यह व्यक्ति कहता है कि मुझे ईश्वर से, मुझे परमात्मा से, मुझे हरि से साक्षात दर्शन हुए हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। तो इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ और हाथरस में इसके पीछे भागते भागते जिस 122 लोगों की मौतें हुई है इसे कहो कि उन लोगों के जीवित करे। औरतों को, बुजुर्गों को ना जीवित कर पाए तो कम से कम बच्चों को तो कर दे, बच्चों पर तो रहम कर दे इसके हरि। दोस्तों मैं ढोंगियों के सख्त खिलाफ हूं, किसी जाति धर्म के हूं। यह व्यक्ति कहता है कि मैं 18 साल उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में इंटेलिजेंस यूनिट में काम किया हूं, लेकिन क्या यह सच है? क्योंकि रिपोर्ट यह बताती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल था और इटावा में जब यह तैनात था तब इसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, FIR दर्ज हुई, प्रशासन ने इसे बर्खास्त कर दिया, ये जेल में गया और जेल से जब बाहर निकला तो इसने इस तरह का ढोंग रच दिया। क्या इसे जेल से निकलते वक्त ही परमात्मा का दर्शन हो गया? ऐसे ही बलात्कारियों को परमात्मा का दर्शन होता है? इस बाबा पर यौन उत्पीड़न समेत 5 FIR दर्ज हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे अपराधी, ऐसे बलात्कारी बाबाओं का आज भारत की जनता कैसे अनुयायी बनी हुई है। और ये सिर्फ एक बाबा का काम नहीं है, चाहे आसाराम हो, राम रहीम हो, तमाम चिन्मयानंद हो, तमाम तरह के लोग हैं जो कि बलात्कारी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं क्या मिल रहा है कि ऐसे पाखंडी और ढोंगियों के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि चश्मुलिये बाबा के चरण की धूल लेने के लिए लोग इनके पीछे भाग रहे थे। दोस्तों मुझे समझ नहीं आता है कि इनके चरण में पता नहीं कौन सी शक्ति थी। और सबसे ज्यादा औरतें और बुजुर्ग मरे हैं और बच्चे भी मरे हैं, और बच्चों का मरने का कारण ये औरतें ही हैं और ये महिलाएं जो कि सबसे ज्यादा पाखंडी और ढोंगी अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं। खुद तो मरी, साथ में छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी मर गई, क्योंकि बच्चे लिए होंगे और उनको लेकर बाबा के पीछे दौड़ रही होंगी, भगदड़ मची, फिर इनकी मौतें हो गई। लो, बाबा के पास जाते जाते खुद मौत के पास चली गई। मुझे लगता है कि बाबा जो दोषी है वो है, आयोजक जो दोषी है वो है, प्रशासन जो दोषी है वो है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दोषी बाबा के अनुयायी यानी खुद जनता है।